आपको खबर दिखा रहे हैं मोहाली से, जहां पर ईटीओ रणजीत सिंह सुसाइड केस में उनकी पत्नी मनजीत कौर ने इंसाफ के लिए लड़ी थी लड़ाई, जिसके बाद एसपी, उनके रीडर तथा 3 व्यापारियों पर हुआ था आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। अब मौजूदा हालात ये हैं कि केस वापस लेने के लिए आ रही हैं धमकियां। पुलिस को शिकायत दी गई है और धमकाने वाले नंबरों की डिटेल्स भी दी गई। आपको बता दें कि वर्ष 2011 में ईटीओ रंजीत सिंह ने सुसाइड किया था, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आइए आपको दिखाते हैं पूरी। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं मैडम मनजीत कौर, जो एक FIR 306 च SP अमनदीप कौर, रेंद्र गोपी, राजीव सूद तो एक परमजीत के खिलाफ जो रजिस्टर्ड हुई है, उस जिन्हों का कंप्लेनेंट लॉयर हैगा। तो हुण वो FIR का ट्रायल ऑलमोस्ट खत्म है, तो हुण अगली तरीक साड़ी 21/12 हैगी है, जिस असी हुण सिर्फ बहस करके अपना आर्गूमेंट फिनिश ऑफ करके जो भी ऑर्डर होणगे उहदे वास्ते डेट दित्ती जाएगी सानू। मीनवाइल की होया 14/11 नूं हाले क्योंकि आर्गूमेंट साडे होणे आ, पहला कंप्लेनेंट मतलब जो शिकायतकर्ता है उन्हें प्रोसीड करना है आर्गूमेंट्स तो बहस तो, इस करके 14/11 नूं मैडम नूं फिर एक मोबाइल नंबर है जी जिहड़ा 6474953660, ये उधरों फोन आया तो इन्होंने थ्रैट किया कि तुसी बहस नहीं करनी, तुसी अपना केस हुण भी वापस लो नहीं तो ये नतीजे बड़े खतरनाक होंगे। मैडम ने इमीडिएटली 14/11 नूं अपने सीनियर कप्तान पुलिस SSP साहब नूं अपने मोहाली इन्हां शिकायत दित्ती कि मैनू इस तरह थ्रैट आ रहा। वैसे भी विटनेस प्रोटैक्शन प्रोग्राम से असी इन्हों 2 अपने सिक्योरिटी गनमैन दवाए सके, जे चो एक वापस उन्होंने फिर ले लिया ड्यूरिंग ट्रायल, हले ट्रायल चल रही है, असं बार बार कह भी रहे हैं भी सानू थ्रैट है, थ्रैट परसैप्शन है, और कोर्ट ने ही ऑर्डर करके इन्हों गनमैन दवाए सके, उन्होंने चलो वापस ले ले। फिर हूँ असी शिकायत की, अज तक कुछ भी नहीं होया, यह भी नहीं इन्वैसटीगेट होया भी फोन आया कितों, कौन करने वाला सी, किने कीता की है। हुण इन्हां नूं एप्रीहेंशन तो हैगी है भी मैं लगता आर्गूमेंट्स पहले ही कोई भी इन्हां नूं बॉडीली हार्म हो सकता है जां कुछ भी हो सकता है। हुण मीनवाइल इन्हां ने होर की कीता, पुलिस ने कार्रवाई की है भी उसी इंसीडेंट तो एक होर इन्हां ने 420 का परचा दर्ज कर लिया उन्हें अक्यूज के खिलाफ। सारा कुछ तो चलान में लिखता भी SP अमनदीप कौर भी इस रिस्पोंसीबल हैगी, रेंद्र गोपी जो एक अक्यूज हैगा वह भी रिस्पोंसीबल हैगा, बट लास्टली SP अमनदीप कौर करता तो रेंद्र सिंह गोपी वो खिलाफ इस चलान पेश किया। मजे की गल हो रही है भी 161 के बयान भी वो अपने बयान लै रहे हैं, ये बयान लैके मतलब हाउ इज पॉसीबल, मैं तो हैरान हाँ। इन्ने साल सू प्रैक्टिस कर दोगे ज़्यादा पुलिस की अखा बंद आ, पता नहीं किड़े मूड चो काम करते हैं भी हाउ दे कैन टेक हिज ओन स्टेट, वो स्टेटमेंट वो बयान अक्यूज के बयान कितना ला सकते प्रोसीक्यूशन, मैंने समझ नहीं आया। वो लाए हुए हैं थोड़े सामने है जी 100 तो पिछले 161 के बयान ने, दूजे के ये बयान भी नाल लगे हुए हैं, ये तो की करवाना है समझ नहीं है, यही अक्यूज है इतने चलान च। तो यह दूजा केस उसी सेम इंसीडेंट तो कि इन्होंने फर्जी बिल बनाए से कुछ बनाया से, थोड़ा जहा बैकग्राउंड वह केस दिना। इन्हों के हसबेंड ETO साहब से अपने रणजीत सिंह जी, वो अपने एक्साइज डिपार्टमेंट से ट्रक रोकते थे, इन्हें अक्यूज के ट्रक आते थे, उन्हें वो बिलबिलटियां मतलब गलत सोच कई समान लिया जिसे बिलबिलटियां होनी ही नहीं, उन्हें रोकना, उन्होंने टैक्स लाना सब कुछ करना। अक्यूज कुछ भी नहीं है, दो अक्यूज क्लेम करता है कि मैं ड्राइवर या गड्डिया का ओनर हैगा, बट इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं हैगा, वो सिर्फ एक टाउट सेगा जो SP अमनदीप कौर जिहड़े सीगे उन्हां दा, तो बाद ना वो माल समान जां माल दा मालक है, ओनर हैगा ना ही, कोई लैणा ना गड्डिया का, बस वो कहिंदा मैं मेरिया गड्डिया सी, वेयर एस गड्डिया भी किसी होर दीआं सी, उहदी डैथ हो गई उस अक्यूज की। तो ये इस करके हुण सानू कंप्लीट थ्रेट परसैप्शन ये हैगी कि जब तक साडी मैं लगता 21/12 तो पहला जा ऑर्डर आने तो डिसीजन आने तो पहला इस केस इन्हों कोई भी बॉडली हार्म हो के कुछ भी नहीं, किसी ना नहीं लिखा सी उन्होंने, नहीं पता उस टाइम हालत सब दी खराब सी की की होया की ना होया। ये बाद चो 2 मैंबर कमेटी बैठी सी, उस विच उन्होंने कीता सी फैक्ट फाइंडिंग सी, तो ADGP HS सिद्धू साहब तो एक IS सी मनस भी कुमार, उन्होंने फिर पूरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह सारा कंकलूड किया, नतीजा कटिया कि ये SP अमनदीप कौर, रेंद्र गोपी, राजीव सूद, परमजीत सिंह, एक हौलदार होर नाल हुंदा सीगा हरमिंदर सिंह, ये सारे इन्होंने टोला सीगा जिहड़ा इन्होंने सारा इन्हों ट्रैप किया ETO साहब नूं, ये सारी इन्हें प्लैनिंग सी इस करना इदा करके, दैन फिर उस तो बाद इस तरह मतलब कि इस केस फसाया गया।
ਤਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਟੋਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਟਰੈਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨਾਓ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਹਰ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ 1981, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਯੈਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ, ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ।